ऑप्शंस फॉर टुमारो में ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो के साथ आज हम फिन निफ्टी को भी ऐड करेंगे। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है, तो फटाफट शुरू करते हैं आज की ऑप्शन चेन। आप वीडियो को लाइक करिए, शुरू करते हैं आज का ऑप्शन। सबसे पहले निफ्टी के लिए जो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए फिलहाल मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। और सबसे पहले ऑप्शन चेन निफ्टी का एक बार फटाफट देख लेते हैं कि क्या आज के नंबर्स बोलना चाहते हैं। और सबसे पहले 23,600 एक इम्पॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है निफ्टी के लिए, जिसपे थोड़ा सा हमें ट्रैक करना जरूरी है। 23,000 के नंबर अगर हम देखें तो 1,14,000 के आसपास कॉल राइटिंग के नंबर हैं और 1,25,000 के आसपास पुट राइटिंग के नंबर है। बहुत छोटा सा सपोर्टिव नंबर दिख रहा है, बट फिलहाल जो मार्केट है वो थोड़ा सा 23,600 के नीचे नजर आ रहा है 4 से 5 पॉइंट। क्या आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो फिलहाल इसको थोड़ा सा टाइट मामला ले सकते हैं। टाइट मामला लेने का मतलब है कि जिस तरीके से नंबर दिख रहे हैं, हो सकता है आपको मार्केट 23,610, 23,580, 23,20 पॉइंट के अंदर जो है कहीं जो है हमें मार्केट दिखाई देगी। 20 पॉइंट के अंदर का मतलब होता है कि जैसे कि अगर 23,600 एक मिड जोन नजर आ रहा है और बार बार हमको प्राइस के कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के नंबर्स लगभग सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है, मार्केट को बार बार खींचने की कोशिश की जा रही है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें भी तो देखिए, अब ये 23,600 का लेवल यहाँ पर है। पहले मार्केट ने ऊपर ऑलमोस्ट 15 पॉइंट लिए, नीचे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट लिए, तो मार्केट बार बार वही पोजिशन लेने की कोशिश कर रही है आसपास, बिल्कुल आसपास। सो फिलहाल 23,600 जो छोटा सा सपोर्ट है उसको अगर हम देखें तो एक बहुत छोटा सा हम 23,600 पे फिलहाल हम येलो मार्क ही करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई हमें डिसीजन थोड़ा सा पेंडिंग लगता है तो वहाँ पे एक येलो लेवल मार्क करते हैं जब हमें क्लियर ना हो। फिलहाल नंबर्स थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं 23,600 पे, अभी फिलहाल लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं नंबर्स तो पुट राइटिंग की तरफ ही बढ़ रहे हैं। 550 को देखें तो ठीक ठाक नंबर है, कोई खास बड़े नंबर नहीं बोलेंगे, बट 500 को अगर हम देखें तो 500 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो फिलहाल अब 500 पर एक अच्छा सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि है काफी दूर। सो फिलहाल लेकिन अब सपोर्ट दिख रहा है तो सपोर्ट यहाँ लेकर चलेंगे, कुछ इस तरीके से एक अच्छा सपोर्ट यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। प्राइस एक्शन को भी साथ के साथ इंक्लूड करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमको बीच बीच में प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा मिल रहा है, तो ये लेवल्स भी हमको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें निफ्टी के लिए, तो रेजिस्टेंस में 650 को वॉच करें तो कोई खास नंबर्स का डिफरेंस नहीं है। 28,000 इधर है, 21,000, 22,000 इधर है। 700 की बात करें तो 32,000 नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं और 31,000, 32,000 यहाँ भी नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस अगर ढूंढने की कोशिश करें तो फिलहाल बड़े नंबर के साथ 2,27,000 के स्ट्राइक प्राइस के साथ 45,000 के आसपास 23,800 थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का थोड़ा सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी काफी दूर है। तो थोड़ा सा हम अगेन प्राइस एक्शन को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस, नंबर्स काफी दूर दिख रहे हैं, कोई खास बड़े चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं, रेंज कोई खास बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल यहां पर एक ये लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इस लेवल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा। इस लेवल पर मैं इसको थोड़ा ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूं, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल का हमारा थोड़ा सा एक स्विंग भी रहा यहाँ पे, कल की क्लोजिंग भी रही, तो ये थोड़ा पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है निफ्टी के लिए। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ, और फिन निफ्टी की तरफ सबसे पहले कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हम ड्रॉ करें तो एक क्लियर कट आपको एक ये स्विंग तगड़ा दिखाई दे रहा है जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल कंसीडर किया जा सकता है। अगेन नीचे की बात करें तो एक ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर की बात करें तो फिलहाल यहां पर ही एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है 23,200 के आसपास। आप चलते हैं ऑप्शन चेन में, फिलहाल RSI 60 प्लस है तो कोई खास घबराने की बात अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। फिर निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। फिर निफ्टी का जो लोग ऑप्शन चेन इंतजार कर रहे थे तुरंत कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा। फिर निफ्टी वाले जो भी फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, हम ऑप्शन चेन देखने जा रहे हैं। हैवी नंबर 23,250 काफी अच्छा नंबर है कॉल राइटिंग की तरफ, जो उसको रेजिस्टेंस बना रहा है। 200 की बात करें तो कॉल राइटिंग भी जबरदस्त है और पुट राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा है 1,75,000।
तो फिलहाल 150 एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है एज कंपेयर्ड टू कॉल राइटिंग के नंबर, और 100 काफी अच्छा एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 100 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 150 सपोर्ट है, 250 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल फिर निफ्टी के जो नंबर्स दिख रहे हैं वो अगर हम बात करें तो 150 से लेके 250 के बीच में कहीं नंबर्स दिख रहे हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल 250 के आसपास दिख रहा है एक अच्छा, तो यहां हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल, और 150 के पास एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी मार्केट ने दिखाया भी मॉर्निंग में। तो ये नंबर्स को ट्रैक जरूर करते रहिएगा, ऑप्शन चेन को लगातार रिफ्रेश करके देखते रहिएगा, और प्राइस एक्शन को इंक्लूड कर लें, एक और सपोर्ट अगर निकालने की कोशिश करें फिर निफ्टी के लिए, तो फिलहाल यहाँ पे कहीं एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो 23,050 के आसपास है। तो आई होप कि फिर निफ्टी के लेवल्स आपको ये हेल्प करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी भी लगातार ऊपर के पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहा है 52,000 के, एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर मूव कर रहा है। तो लेट्स सी कि 52,000 के नंबर्स पे फिलहाल ऑप्शन चेन क्या कहना चाहता है बैंक निफ्टी के लिए। 52,000, 86,000 के आसपास एक कॉल राइटिंग 87,000 की दिख रही है, जहां पे पुट राइटिंग 1,45,000 के आसपास है। सो दिस क्लियरली शोज कि 52,000 पे एक सपोर्ट बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। 52,100 की बात करें तो थोड़ा सा टाइट जोन है जहां पे नंबर्स लगभग सिमिलर दिख रहे हैं। 52,200 भी थोड़ा सा टाइट जोन है, तो मीन्स 52,150 के आसपास थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन शायद दिखाई दे। वैसे एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन 52,500 के आसपास दूर दिख रहा है, और बीच में अगर हम 300-400 को देखें तो कोई खास बड़े नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, हालांकि 400 पर जाके थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। तो फिलहाल 150 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन छोटा सा बैंक निफ्टी के लिए, यहां एक रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन 100 और 52,000 दोनों पे सपोर्ट जोन दिख रहा है। हमने एक लेवल भी मार्क किया है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी एक, जो आपको हेल्प कर सकता है 51,990 का, और उससे नीचे हमें सपोर्ट्स ही दिख रहे हैं प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड करें तो आई होप आप सभी लोगों को निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों के चार्ट्स और रेंज कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, और बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।